हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू झारखंड परीक्षा झारखंड रिवर का क्लास अभी होगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बराकर नदी ये आज के लिए शेड्यूल दिया गया था क्लास शेड्यूल जो था तो इसमें आर्ट्स एंड कल्चर ये कंप्लीट हो गया ये कंप्लीट हो गया ओके करंट अफेयर का जो दो एक्सप्लानशन था चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स इन इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया ये दोनों कंप्लीट हो गया ओके और अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले झारखंड रिवर

तो ये चीज समझना चाहिए था आपको ठीक ना छोटी सी चीज थी कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें निक्सन गेमिंग नाइक्सोन गेमिंग बिल्कुल स्टार्ट किया जाएगा सब कुछ है मेरे ध्यान में थोड़ा सा धैर्य रखिए ओके तुम लोग स्टार्ट करते हैं बराकर नदी ठीक ना शेड्यूल देखिए शेड्यूल मेरा बहुत ज्यादा बिजी है लेकिन फिर भी डेली टेस्ट हो रहा है और टेस्ट के बाद भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है ओके डिले हो जा रहा है एक्सप्लेनेशन में लेकिन एक से दो दिन के बीच एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंच जा रहा है ओके अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका फायदा ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड रिवर तो झारखंड रिवर जो है इसमें अभी तक झारखंड रिवर जो है अभी तक इसमें आठ क्लास हो चुका है इसमें अभी तक जो है क्या हो गया ये इसमें अभी तक आठ क्लास हो चुका है ओके तो यहां पर आपको समझना है कि जो लेक्चर वन था ये क्या था कंसेप्चुअल था उसके बाद लेक्चर दो जो था ये इसी पर बेस्ड एमसी था फिर तीन नंबर जो लेक्चर था ये कंसेप्चुअल था चार नंबर लेक्चर क्या था इस पर बेस्ड फिर सात कंसेप्चुअल और आठ एम सी क्यू तो इस तरह से ये चल रहा है और ऐसा रखने का रीजन यही है नंबर जो है ताकि आप पीडीएफ आसानी से देख पाए आसानी से आप इसको डाउनलोड कर पाए ओके टेलीग्राम में भी पीडीएफ सेंड कर दिया गया है लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा आप एप्लीकेशन यूज कीजिए क्योंकि एप्लीकेशन पूरा अरेन्ज वे में पीडीएफ को रखा गया है ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे बराकर नदी तो ये नाइन है। और इसी पर बेस्ड अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये तो बराकर नदी है ओके बराकर नदी है ये लेक्चर नंबर है नाइन अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे इसी का एक टेस्ट होगा एप्लीकेशन में ओके okay? टेस्ट नंबर कितना हो जाएगा टेस्ट नंबर हो जाएगा दस ओके नौ है तो ये दस हो जाएगा और ये रहेगा बराकर पर ही जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किस पर होगा ये होगा एप्लीकेशन में और इसके लिए कोई आपको फी नहीं देना ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बाइलिंगल टेस्ट होगा टेस्ट के बाद एक्सप्लेनेशन भी होगा जो क्वेश्चन का पीडीएफ होगा एक्सप्लेनेशन का जो पीडीएफ होगा ये एप्लीकेशन में सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम में भी सेंड कर दिया जाएगा ओके तो इतना सारा कंटेंट आपके लिए इजिली अवेलेबल है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब बराकर नदी के बारे में मैप के माध्यम से भी देखेंगे बहुत कुछ सीखना है अभी ओके चलिए तो बराकर नदी तो बराकर नदी सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिन ठीक है इसका ओरिजिन बराकर नदी का जो ओरिजिन है अब देखिए ओरिजिन को दो तीन तरीके से देखिए चाहे नदी का मुहाना हो या फिर ओरिजिन हो उसको दो तीन तरीके से देखना है कैसे देखना है इसका जो ओरिजिन है अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट के रूप में तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है ये हजारीबाग ये है हजारीबाग पहला चीज हजारीबाग के अंदर ओके आंसर मुझे लगता है कि कोई टेस्ट में चोरी करता है सौ सेकेंड में बीस सवाल कैसे बना लेते हैं तो चोरी देखिए एक ही तरीके से हो सकता है उसमें कि एक्सप्लेनेशन किसी ने पहले देख लिया और टेस्ट बाद में दे रहा है ऐसे ही हो सकता है तो खैर होने दीजिए अगर कोई ऐसा कर रहा है देखिए मैंने जो अवेलेबल करवाया है टेस्ट है अगर मैं चाहता तो सिर्फ टेस्ट दे के मुझे टाइमिंग जो है टाइमिंग डिले क्यों हो रहा है डिले इसीलिए हो रहा है ताकि मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दे ओके टेस्ट के लिए आप ट्वेंटी फाइव पे कर रहे हैं पर मंथ लेकिन सिर्फ टेस्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें मुझे समय लग जाता है ओके okay. अगर मैं चाहता कि सिर्फ टेस्ट ही आपको प्रोवाइड करता तो फिर एक दिन में बहुत सारे टेस्ट को अवेलेबल करवा सकता था आसानी से लेकिन मुझे लेक्चर भी प्रोवाइड करना है ना अब लेक्चर मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं टेस्ट में मुझे अगर एक घंटा लगता है तो दो घंटा मुझे लगेगा लेक्चर में तो इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं ताकि टेस्ट जब आप दें तो एनालिस कर पाए सोल्यूशन को आप अच्छे से समझ पाए याद कर पाए इसलिए लेकिन अगर कोई इसका गलत फायदा उठाता है कि पहले लेक्चर देख रहा है फिर टेस्ट दे रहा है तो खैर होने दीजिए देखिए अगर ऐसा सिचुएशन आता है मैं बता रहा हूं आपको अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आपने टेस्ट नहीं दिया है आपने लेक्चर देख लिया तो लेक्चर देखने के जस्ट बाद आप टेस्ट को मत कीजिए वो तो सही हो जाएगा ना तुरंत अगर आप लेक्चर देख रहे हैं उसके जस्ट बाद आप टेस्ट को कर रहे हैं तो वो सही हो जाएगा थोड़ा सा गैप ले लीजिए ओके एक हफ्ते का गैप लीजिए एक वीक का गैप ले लीजिए उसके बाद टेस्ट को अटेम्प कीजिए ऐसा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेक्चर देखिए पहले देख लीजिए लेकिन एक वीक का गैप रखिए उसके बाद टेस्ट को अटेम्प कीजिए ठीक ना ऐसा आप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन गैप रखिए थोड़ा सा तुरंत नहीं देना है ओके तो इसका जो ओरिजिन होता है ये हजारीबाग से होता है ये हो गया डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में ओके ये हो गया डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में हजारीबाग अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो पद्मा हम लोग याद कर सकते हैं ठीक है पद्मा जो रीजन जहां से इसका ओरिजिन होता है ये पद्मा हो गया ठीक है और क्या याद किया जा सकता है इसमें ओके okay. एक हजारीबाग हो गया एक पद्मा हो गया दूसरा क्या है कि यह झारखंड का मैप है आपको अब आप पूछेगा पठार के रेस्पेक्ट में ठीक है आपको पूछेगा पठार के रेस्पेक्ट में तो यहां पर अगर आप छोटा नागपुर पठार के रेस्पेक्ट में इसका आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी भाग है वहां से इसका ओरिजिन होता है पहला चीज दूसरा कि ये हजारीबाग पठार से निकलती है हजारीबाग पठार से यह निकलती है ओके okay. तो ये चीज भी आप जो है ध्यान में रख सकते हैं तो ये जो है पदमा क्षेत्र से निकलती है और यहां से निकलने के बाद जब ये हजारीबाग जाती है मतलब हजारीबाग से जब ये निकलती है ओके okay. तो हजारीबाग से निकलने के बाद इसका जो प्रवाह होता है ये कोडरमा जाती है कोडरमा के बाद इसका प्रवाह गिरिडी है गिरिडी के बाद इसका जो प्रवाह है ये धनबाद है ओके okay. और धनबाद जो है देखिए गिरिडीह से धनबाद और गिरिड़ आपको लगेगा कि गिरिडीह से धनबाद और जामताड़ा एक साथ जा रहा है, है ना तो जामताड़ा भी हो जाएगा यहां पर जामताड़ा ओके गिरिडीह हालांकि गिरिडीह से पहले धनबाद और फिर जामताड़ा जाती है तो कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया एक दो तीन चार पांच तो ये पांच डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बराकर नदी का प्रवाह क्षेत्र है ये पांच डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इसका प्रवाह क्षेत्र है ओके इसका प्रवाह क्षेत्र पांच डिस्ट्रिक्ट में है पहला चीज ये आपको याद रखना है अब यहां पर ये इसका जो मुहाना है वो देखना आप लोगों को ठीक है इसका जो मुहाना है ये देखना है तो होता क्या है कि जब आप इसका मैप देखेंगे तो ये हजारीबाग से निकलकर कोडरमा में टच करती है फिर गिरीडी है उसके बाद धनबाद है जामताड़ा है ठीक है तो धनबाद जामताड़ा के बीच बाउंड्री बनाते हुए धनबाद जामताड़ा में मैथन डैम है ओके मैथन डैम धनबाद जामताड़ा को टच करता है पश्चिम बंगाल को भी टच करता है तो मैथन डेम मैथन डैम जैसे ही इस पर बनता है तो मैथन डैम के जस्ट बाद जो है ये दामोदर नदी से मिल जाती है अभी और इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग ओके बस रफली बता रहा हूं मैं कि मैथन के बाद जो है ये दामोदर से मिल जाती है तो इसका जो मुहाना है ये दामोदर है इसका जो मुहाना है ये दामोदर है दामोदर नदी हम लोग पढ़ चुके हैं और आपको बताया गया था कि दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो बराकर है बराकर को अलग से पढ़ा जाएगा ओके तो ये हो गया दामोदर 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 जो है इसका मुहान आप किस तरह से दामोदर मिलती है ये सब कुछ देखेंगे हम लोग ठीक ना ये सब कुछ देखने वाले हैं तो जैसा कि ड्रॉ करके मैं बताता हूं मैं फिर से बता रहा हूं ठीक है ध्यान दीजिएगा आप लोग इसी को समझना है देखिए इसका जो ओरिजिन है इसका जो ओरिजिन है क्या है पद्मा है इसका ओरिजिन पद्मा है मतलब हजारीबाग है ओके यहां से जब यह निकलती है तो निकलने के बाद इसका जो प्रवाह होता है ओके ये क्या है कि हजारीबाग और कोडरमा के बाउंड्री पर तिलैया डैम है तिलैया डैम है हजारीबाग और कोडरमा के बाउंड्री पर तो बराकर नदी पर ही है तिलैया डैम ओके इसके बाद ये आगे बढ़ती है आगे बढ़ने के बाद जो है एक नदी इसमें मिलती है इस नदी को बोलते हैं मरकच्चो नदी ओके इसका नाम है मरकच्चो नदी ये जो है बाएं तरफ से निकलती है और मरकच्चो नदी जो है ये कोडरमा से ही निकलती है कोडरमा में एक डैम है इसको बोलते हैं गोरहंद डैम वहीं से निकलती है ठीक है तो ये भी आप याद रखिएगा कि मरकच्चो नदी पर है गोरहंद डैम तो यहां से ये निकलती है ये कोडरमा है ठीक है कोडरमा से ही निकल रही है और कोडरमा में ही ये जो है बराकर नदी से मिल जा रही है ओके फिर ये आगे बढ़ती है ओके यहां पर थोड़ा सा मैप में आप देख लीजिए कि ये जो है इसमें देखिए ये जो रेड लाइन है डॉटेड लाइन ये आपको दिख रहा होगा ठीक ना ये आपको दिख रहा है विजिबल है क्योंकि जूम नहीं होगा वो जो डॉटेड लाइन है वो जूम नहीं होगा ये विजिबल है कि नहीं द द फ्लो ऑफ रिवर बिकम्स वेरी फास्ट ड्यू टू टू डिवाइडेड कहां पर डिवाइड होता है ये दो पार्ट में धर्मेंद्र ये मुझे बताइए कि जो डॉटेड लाइन है रेड कलर का वो आपको दिख रहा है विजिबल है ये विजिबल है. है क्योंकि ये पॉइंट जो है जूम नहीं होगा ओके okay, ये मैप में दिखा रहा हूं ना गूगल मैप है देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन है ठीक है ये हजारीबाग का बाउंड्री है ये क्या है हजारीबाग का बाउंड्री मतलब ये साइड जो हजारी है हजारीबाग है देखिए इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है ये हजारीबाग है ये हजारीबाग का मैप है अब देखते हैं तिलैया डैम ठीक है तो इसका जो प्रवाह होता है ये पद्मा से निकलने के बाद यहां से निकलती है अब यहां से निकलती है तो नाले के रूप में बहती नाले के रूप में कहने का अर्थात ये है कि जो है हाँ घंटी कुली जो घाटी है ठीक है कंकटीकुली घाटी बोलते हैं उसको अभी मैप में दिखाऊंगा वो भी दिखाऊंगा अभी वो आइलैंड भी दिखाया जाएगा आपको ओके तो यहां से जब निकलती है तो लगेगा नहीं कि नदी है लेकिन फिर भी किस तरह से पहुंचती है धीरे धीरे करके जब इस पर डैम बनाया जाता है ओके डैम बनता है तो ये डैम हजारीबाग और कोडरमा दोनों पर है ज्यादातर हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया हजारीबाग लेकिन कोडरमा में है ओके तो कोडरमा में जो तिलैया डैम है ये किस पर है बराकर नदी पर ये डैम हजारीबाग को भी टच करता है अब फिर क्या होता है यह बराकर नदी जो है देखिए अभी अगर आप इसको देखेंगे मैं थोड़ा ज़ूम कर रहा हूं आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल नाले की तरह इसका कोई चौड़ाई नहीं है है ना इसमें देखिए ये जो है देखिए यह भी बाउंड्री पर है ये जो है ना ये लाइन ये जो लाइन है यही बराकर नदी है ये जो लाइन है ये बराकर नदी है तो ये दिखाने का रीजन यही है कि आप ये समझ पाए कि तेलैया डैम के बाद ये जो है हजारीबाग और कोडरमा के बीच बाउंड्री बनाती है कोडरमा और हजारीबाग के बीच जो है ये ये बाउंड्री बनाती है डैम के बाद तो ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन यही है इस बॉर्डर पे जो बह बहरी बराकर नदी है ये बराकर नदी है ओके तो बहुत दूर तक जो है ये बाउंड्री बनाती है और बाउंड्री बनाने के बाद जो है देखिए बहुत दूर तक बनाती है ये अच्छा खासा डिस्टेंस जो है कवर हो रहा है इससे अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो रहा है दमदमा का एरिया जब आता है तो जाके थोड़ी सी चौड़ाई देखने को मिलती है और यहां से इसका जो स्पीड है वो फास्ट हो जाता है तेज हो जाता है ओके ये तेज हो जाता है देखिए अभी तक क्या है बाउंड्री में ही है अभी तक क्या है ये बाउंड्री में ही है ओके तो यहां पर मैप में मैं बता रहा हूं इसको आप ध्यान दीजिएगा ये देखिए जब यहां से है ना जब ये बराकर नदी पद्मा से निकलती है तो पद्मा से निकलने के बाद यहां पर जो तिलैया डैम बनता है ओके तिलैया डैम जो बनता है तो फिर इसके बाद बाउंड्री पर बहती है यह जो है बाउंड्री पर बहती है और इसके बाद जो है यह गिरिडीम प्रवेश कर जाती है ये गिरिडीह में प्रवेश कर जाती है ठीक है अब क्या होता है गिरिडीम प्रवेश करने के बाद अब यह गिरिडीम बहेगी अब यह गिरिडीम बहेगी अच्छा इसके पहले एक दो नदी और है जो कि इंपॉर्टेंट है जैसे मरगच्छो कोडरमा में मिल रही है ओके okay. एक और नदी है इसका नाम है बरसोती नदी इसका नाम है बरसोती नदी ये भी इंपॉर्टेंट है बरसोती नदी तो बरसोती नदी जो है ये हजारीबाग से निकल रही है हजारीबाग में बरखट्टा नाम का जगह है वहीं से ये निकलती है ओके okay. बरखट्टा नाम का जगह है बरही में ही आता है ये ओके okay. तो यहीं से जो है ये निकलती है और निकलने के बाद ये हजारीबाग में ही मिल जाती है किससे बराकर से ओके okay. हजारीबाग में ही जो है दबंगी नामक जगह है वहीं पर ये मिल जाती है हजारीबाग से तो ये जो है हजारीबाग का ही नदी है ढलंगी बोलते हैं ढलंगी सॉरी ढलंगी नाम का जगह है वहीं पर ये हजारी हजारीबाग में बराकर नदी से मिल जाती है ओके okay. अब यहीं से क्या होगा इसका स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगा तो चल तो रहा है जीएस स्टडी ओके चल तो रहा है पैरल में ओके देखिए, ये हो गया तो यहां से इसका स्पीड जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है अब ये नदी आगे बढ़ेगी बरसोती नदी अगर आप देखेंगे यहां पर इसमें मैप में शायद ये ठीक से नहीं दिखा ये जो है इधर ही कहीं है बरसोती नदी हाँ देखिए बरसोती है ना ये बरसोती नदी ओके ये बरसोती नदी है ओके okay. तो इसको आप देखिए ये क्या है ये हजारीबाग का मैप है तो हजारीबाग से ही जो है ये निकलती है ये हजारीबाग से ही निकलती है ठीक है ये हजारीबाग का ही मैप है ना तो हजारीबाग से ही इसका ओरिजिन हो रहा है ओके okay. हजारीबाग से ही जो है इसका ओरिजिन हो रहा है ये और फिर हजारीबाग में ही ये मिल जाती है अब इसके बाद क्या है ये नदी आगे बढ़ती है तो ये नदी जब आगे बढ़ती है तो मेनली पॉइंट समझना जो इंपॉर्टेंट नदी है उसके रेस्पेक्ट में ठीक है जब बॉर्डर परी है तो कोडरमा में मरकचो कैसे मिलती है देखिए बॉर्डर जैसे कि है ये नदी है ठीक है अब जो नदी इधर से मिलेगी तो उसके लिए हम लोग क्या याद रखेंगे उसके लिए याद रखेंगे जो इधर की इधर का जो बाउंड्री है इधर का जो स्टेट है उसके रेस्पेक्ट में आपको याद करना है तो यहां पर जब एग्जाम में आएगा तो आपको यह नहीं बोलेगा कि बॉर्डर पे है जैसे कि आपको बताया गया था राढू और कांची नदी के बारे में जब सोनरेखा पढ़ाया जा रहा था तो क्या बोला जाता है कि रांची में मिलती है लेकिन एक्चुअली वो कहा पूर्णिया में और रांची दोनों के बाउंड्री पे मिलती है ठीक है तो इस तरह से ये समझना है कोडरमा जो है कोडरमा के बाउंड्री पर ही मिलती है लेकिन कोडरमा आपको याद रखना है ठीक है कोडरमा आपको याद रखना है आपको जो है कोडरमा याद रखना है देखिए आपको दिखा रहा हूं शायद यही होगा हाँ यही देखिए यही मरकोच्चो नदी है तो ये जो नदी है इधर कोडरमा हो गया इधर क्या हो गया कोडरमा और इधर क्या है इधर हजारी बाग है ठीक है इधर हजारी बाग है यहां पर आपको देखने से लग रहा है ऐसा कि बाउंड्री के इधर है बाउंड्री के इधर नहीं है ये बाउंड्री पर ही मिल रही है लेकिन चूंकि ये नदी इधर से आ रही है और बाउंड्री पर मिल रही है तो हम लोग काउंट क्या करेंगे जो ये साइड वाला ये साइड वाला डिस्ट्रिक्ट है ठीक है ये चीज ध्यान देना है ओके अच्छा किसका आपने बोला मरकचो का नहीं मरकचो तो मरकचो जो होगा वो कोडरमा हो जाएगा ठीक है बरसोती जो है वो हजारीबाग हो जाएगा ओके okay. ये क्लियर हो गया पहले मुझे ये बताइए क्लियर हो गया ना इसमें कोई डाउट नहीं है तो जब भी बाउंड्री वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसा समझना है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है ना आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है दामोदर चतरा से नहीं बहती है चतरा में दामोदर नहीं है सॉरी चतरा और रांची के बीच बहती है दामोदर बाउंड्री में बहती है अंदर नहीं जाती है बाउंड्री में बहती है ठीक है जैसे ये जो मैप है यहां पर लातेहार से निकलती है चतरा और हज, ये रह, चतरा और रांची के बीच बहती है चतरा में बहुत ज्यादा एंटर नहीं करती है ओके चलिए ये क्लियर हो गया बरसोती बरसोती जो है ये हजारीबाग में मिलती है बाकी ये आप कोडरमा याद रखिए कोडरमा से ही निकल रही है क्लियर मरकजो नदी दिखाना है कितना डाउट हो रहा है आप लोगों को देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि देखिए ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ना रेड डॉटेड लाइन इसके इधर हजारीबाग है इसके उधर कोडरमा है तो कोडरमा से यह नदी निकलकर कर आ रही है, है मर्कज और बाउंड्री पर ही मिल रही है हजारीबाग कोडरमा का लेकिन जब भी बाउंड्री पे कोई नदी मिल रही है तो आपको देखना है कि यह नदी निकल कहां से रही है बस वो साइड का लगा देना है और दोनों ध्यान में रखना है कि बाउंड्री पर है हजारीबाग कोडरमा के बाउंड्री पर है ये भी आपको ध्यान रखना है कोडरमा मिल रही है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है दोनों चीज ध्यान रखना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे यही है मरकजो नदी ये और इसका जो मीटिंग है देखिए ये बराकर नदी हजारीबाग कोडरमा के बीच बह है यहीं पर इसका मीटिंग होता है ओके okay, संगम यहीं पर है हो गया आगे बढ़ते हैं इतना आसान चीज है इतना डाउट क्रिएट नहीं करना है ओके okay. और ज्यादा सोचना भी नहीं है ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं ये हजारीबाग का बाउंड्री से ये निकल रहा है हजारीबाग का बाउंड्री से निकलकर ये जो नदी है अब यहां पे ये जो नदी है ये दो तीन नदी आप याद रखिएगा ठीक है ये दो तीन नदी आप याद रखिएगा अब आते हम लोग एक नदी इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे योजना आप देखेंगे इस नदी का जो नाम है इसको बोलते हैं ईरगा नदी इसको बोलते हैं ईरगा नदी जो गिरिडीह के होंगे उन्होंने सुना होगा इर्गा नदी तो ये जो इर्गा नदी है ये गिरिडीह से ही निकलती है और गिरिडीह में ही ये मिल जाती है किससे बराकर से तो गिरिडीह में बिरनी नाम का जगह है बिरनी प्रखंड है ओके तो यहीं पर जो है ये मिल जाती है किससे बराकर से तो ये गिरिडी वाला इलाका आ गया ये जो है गिरिडी वाला इलाका आ गया ओके थ्री डी मैप इस्तेमाल कीजिए कोलैप्स हो जाता है मेरे दिमाग में फिर स्लो चलेगा फिर पूरा नदी घूमना है क्या अच्छा समझ में नहीं आ रहा है इतना अच्छा बता रहा हूं मैं अब थ्री डी मैप दिखाऊंगा तो फिर उसमें टाइम लगेगा फिर और स्लो चलता है काफी ज्यादा डेटा खाता है उसमें ना चलिए ये हो गया बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है एक बार गूगल अर्थ यूज किया गया था लेकिन बहुत ज्यादा हैंग करने लगा था ये हो गया ईर्गा नदी जो है ईर्गा नदी के लिए आपको याद रखना है कि ये गिरिडीह से अम्बरटाण से निकलती है और बिरनी गिरिडी में जाकर जो है मिल जाती है अब इसको थोड़ा सा मैप में दिखा रहा हूं ठीक ना देखिए ये जो ये धनबाद इलाका ये धनबाद वाला इलाका ठीक है ये धनबाद वाला एरिया है इसके उधर जो है ये क्या है इसके इधर जो है ये है गिरिटी ठीक है इतना ध्यान रखिएगा इसके ऊपर नॉर्थ साइड जो है ये गिरिटी है ठीक है इसके ऊपर नॉर्थ साइड है ओके अभी इसको इतना ही रहने देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अभी सब कुछ बताया जाएगा आपको तो फिलहाल इतना याद रखिए गिरिडीह में एक नदी ईर्गा नदी आकर मिल गई ओके अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब ये नदी जो है बराकर नदी ओके अब ये जो नदी है अब गिरिडीह पहुंचने के बाद एक इंपॉर्टेंट मंदिर इसके किनारे है इस आ, मंदिर को बोलते हैं ओके ठीक है तो यहां पर देखिए ये जो मंदिर है एक जैन टेंपल है एक जैन मंदिर है ओके इस मंदिर का नाम है रोजू वाली का ओके, रुजु का रुजु पालिका भी लिखा रहता है इस मंदिर का नाम है इस तरह से लिखाता है ये रिजु रिजु का रिजु का जैन मंदिर अभी भी ये मंदिर में कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है अभी भी ये मंदिर जो है अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है बहुत ही भव्य मंदिर है जैन मंदिर है और ये बराकर नदी के जस्ट किनारे है बराकर नदी के जस्ट किनारे गिरिडी में है ये ओके तो जब भी आप डुमरी से गिरिडीह जाएंगे तो आपको ये मंदिर दिख जाएगा मतलब पारसनाथ के जो है पारसनाथ के जस्ट बगल में पारसनाथ जो आ, मोड़ है उसके जस्ट बगल में ये मंदिर है ओके तो जैन टेम्पल ये रिजू बालिका जैन मंदिर ये बराकर नदी के किनारे है ओके ये इसके किनारे है जहां देखिए जहां बताना होगा जितना बताना होगा मैं खुद बताऊंगा अब बिना मतलब का डिटेल्स में अगर आप जाएंगे जहां जरूरत नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है है ना इतना पढ़ लेना है कि अच्छे से आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे ठीक है देखिए अब क्या है कि इसमें एक नदी आकर मिलती है इसको बोलते हैं काको नदी इसको बोलते हैं काको नदी ठीक है ये क्या हो गया ये काको नदी हो गया तो ये भी गिरिडीह का ही है ये भी गिरिडीह में ही मिल रही है अभी ये नदी गिरिडीह में है अब ये नदी आगे बढ़ेगी अब ये नदी जब आगे बढ़ रही है तो इसके बाद से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ठीक है क्योंकि अब ये धनबाद में एंटर कर रही है तो अभी क्या है अभी ये गिरिडीह में है ये नदी काको नदी के मिलने के बाद क्या हो जाता है इसमें एक नदी आकर मिल रही है धनबाद गिरिडीह के बाउंड्री पर उसको बोलते हैं उसरी नदी ठीक है इसको बोलते हैं उसरी नदी उसरी नदी बोलते हैं इसको ओके अब इसके आगे देखते हैं ठीक है तो उसरी नदी जब इस पर मिलती है उसरी नदी जो है ये निकलती कहां से है आपने सुना होगा अगर आप गिरिडीह कभी गए हैं तो खंडोली पहाड़ है वहां पर एक पर्यटन स्थल है ये यहाँ पर एक डैम भी है खंडोली पहाड़ है यहां पर एक डैम भी है खंडोली डैम बोलते हैं तो ये जो डैम है ये उसी नदी पर ही बना हुआ है ओके इसी से इसका ओरिजिन होता है उसी नदी का पहाड़ के पास ही डैम है ओके दोनों बस आस पास ही है तो ये जो नदी है एक वाटरफॉल बनाती है इसको बोलते हैं उसरी वाटरफॉल इसको बोलते हैं उसरी वाटरफॉल वाटरफॉल बनाने के साथ जो है ये बराकर नदी पर मिल जाती है और जहां पर मिलती है ये बाउंड्री है ये जो पॉइंट है ये क्या है ये बाउंड्री है धनबाद और गिरिडीह के बाउंड्री पर अब फिर से वही सवाल आता है कि आप जो है गिरिडीह तो खंडोली डैम ठीक है ओके okay. तो धनबाद और गिरिडीह के बीच में अब फिर से वही सवाल आता है कि एग्जैक्टली exactly आपको क्या बोलना होगा धनबाद या गिरिडी तो वही है कि ये बाउंड्री पर है और ये गिरिडीह से आकर मिल रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे गिरिडीह में मिल रही है ओके ये जो है गिरिडीह में जाकर मिल रही है ठीक है वैसे भी जब आप धनबाद से जब आप धनबाद से गिरिडीह जाएंगे ओके गिरिडीह जाएंगे तो जो इसका मीटिंग पॉइंट है वो गिरिडीह में ही आता है ओके क्यों आता है क्योंकि बाउंड्री साइड है इसलिए इसको यहां पर मैप में दिखा रहा हूं ध्यान दीजिए देखिए ये जो है ये रेड डॉटेड लाइन जो है ये इधर धनबाद है नीचे क्या है ये जो आपको दिख रहा है ये धनबाद है ठीक है ये धनबाद है इसके ऊपर ये है गिरिडीह इसके ऊपर गिरिडीह है अब देखिए ये जो नदी है ओके ये जो नदी है ये नदी बराकर नदी जो है अब ये कुछ समय के लिए हजारीबाग ओके हजारी बाग ये वाला इलाका जो है अच्छा ये तो गिरिडीह में है ना देखिए गिरिडीह धनबाद का बाउंड्री बन रहा है बराकर से धनबाद और गिरिडीह का बाउंड्री बन रहा है अब बाउंड्री में ही उसी नदी जो कि आ रही है कहां से खंडोली पहाड़ से वहीं पर जो है ये मिल जाती है ओके ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा एंड्रोज ऐड चाहिए कम से कम बाद में डेवलपमेंट किया जाएगा अभी फिलहाल वही रहेगा तो यहां पर देखिए ये जो मीटिंग पॉइंट है ये क्या है ये है ये उसरी और बराकर का संगम क्लियर यहां पर देखिए एक वाटरफॉल है इसको बोलते हैं उसरी वाटरफॉल इसको बोलते हैं उसरी वाटरफॉल ओके

धनबाद जामताड़ा का भी बाउंड्री बनाती है तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला है वो मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है ठीक है ये उसरी वाटरफॉल यहां तक आप समझ गए इसके बाद जो आप देखेंगे ये देखेंगे मैथन डेम ठीक है इसके बाद आप देखेंगे मैथन डैम तो इसमें क्या क्या समझने वाला चीज है काकोवाला में गिरिडीह लिख दीजिए कहा है काको ये देखिए ये जो नोट्स होता है ना जब तक आप क्लास नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और मेरे पास अभी इतना समय है नहीं कि मैं आपको पूरी तरह से लिख कर नोट्स दे दू टाइम आएगा मैं लिखूंगा बिल्कुल बनाऊंगा इस तरह से नोट्स कि आपको कहीं जो है कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं बनाऊंगा मुझे थोड़ा समय चाहिए देखिए धनबाद और गिरिडी धनबाद जामताड़ा फिर थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा जामताड़ा और गिरिडीह के लिए बाउंड्री बनता है तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा एक्सेप्शन के लिए ठीक ना मेनली ये आपको याद रखना है धनबाद गिरिडीह और धनबाद जामताड़ा के बीच जो है बाउंड्री बनाती है कौन सी नदी बराकर नदी ओके ये बराकर नदी ये आपको याद रखना है ठीक है ठीक है आप बनाकर भेज देंगे अच्छा ठीक है भेज दीजिएगा आगे बहुत तेजी से जा रहा हूं बहुत डिले होकर मैं जा रहा हूं तो ये चीज है अब आते हम लोग इसका जो मेन जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जो आपको मिलेगा नहीं बहुत सारे बुक में इसका जो मुहाना है ठीक है इसका जो मुहाना ये हमें समझना है इसका जो मुहाना है अभी देखिए मैं फिर से बताऊंगा जो जो सहायक नदी है उन सब के बारे में फिर से मैं बताऊंगा ठीक ना मेन इसको समझना है मुहाना है इसका जो पॉइंट है तो सिंपली आप जानते हैं कि बराकर नदी जो है बराकर नदी जो है ये किसकी सहायक है दामोदर की सहायक है दामोदर की जो है ये सहायक है लेकिन बस इतना लिख देने से इतना आसान नहीं हो जाता है आपको यहां समझना होगा कि किस तरह से जो दामोदर है और बराकर है ये दोनों का मीटिंग हो रहा है ये चीज समझना है ओके तो इसके लिए मैं, मैं मैप मैप का कर यूज करूंगा देखिए ये नदी जो है हजारीबाग से निकलती है तिलैया डैम में फिर कोडरमा इसके बाद से कोडरमा हजारीबाग के बीच बहती है गिरिडीह जब इसका प्रवेश होता है तो गिरिडीह अच्छा खासा बहती है और फिर जो है ये धनबाद के बीच बाउंड्री बनाती है धनबाद के बीच बाउंड्री जब ये बन बनाती है उसके बाद इसका जो एंट्री होता है जामताड़ा में होता है और जब एंट्री होता है तो यहीं पर कुछ समय के लिए गिरिडीह के बीच भी जामताड़ा के साथ बाउंड्री बनाती है अब ये धनबाद जामताड़ा के बीच बहेगी धनबाद जामताड़ा के जब ये बीच बहती है तो यहां पर एक डैम बनता है इस पर ये जो डैम है ये है मैथन डैम ये क्या है ये मैथन डैम है ओके तो इस डैम से जस्ट निकलने के बाद ओके इस डैम से जस्ट निकलने के बाद ये जो है इस तरह से बहती है ये दो धारा बहती है तो जब ये दो धारा बहती है तो ये जो इलाका है ठीक है ये जो इलाका है इसको बोलते हैं डिसेरगढ़ और इसको बोलते हैं लापसंग गांव ठीक है इस तरह से और साथ ही साथ क्या हो रहा है पैरली क्या हो रहा है कि एक नदी बहुत बड़ी नदी है झारखंड की क्या नाम है दामोदर तो ये लातेहार से निकल कर चतरा रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए हजारीबाग एंटर करती है रामगढ़ जाती है बोकारो जाती है और फिर जो है बोकारो धनबाद के बीच बाउंड्री बनाते हुए ओके okay. बोकारो और धनबाद के बीच बाउंड्री बनाती है ठीक है और ये जो है फिर कहां पहुंचती है पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल में जो है ये मिलती है किससे बराकर से ओके okay. तो ये जो आपने देखा ये वाला पॉइंट ये जो आपने पॉइंट देखा ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट यहां पर क्या बन गया एक आइलैंड बनता है ठीक है यहां पर क्या बनता है एक आइलैंड बनता है और इस आइलैंड को बोलते हैं इस आइलैंड को क्या बोलते हैं गंगटी कोली घाटी बोलते हैं इसको गंगटी कोली घाटी बोलते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में अब यहां पर जो क्वेश्चन आएगा आपको यह समझना है कि ये जो आइलैंड बन रहा है तो ये बराकर और दामोदर दोनों से बन रहा है बराकर और दामोदर दोनों से बन रहा है ठीक है लेकिन किसी एक चीज को चूज करना हो तो आप बराकर चूज करेंगे ओके okay, इसका ध्यान रखना है ठीक है तो इसको मैं मैप में दिखा रहा हूं फिर हम लोग वर्ड्स में आएंगे ठीक है ये तो आप जान रहे देखिए बाउंड्री पर है, ये जो रेड लाइन है डॉटेड लाइन ये धनबाद का बाउंड्री है धनबाद के इधर जो है क्या है जामताड़ा है और ये इधर जामताड़ा हो गया इधर धनबाद हो गया ठीक है ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है बाउंड्री है ये मैथन डेम है अब ये क्या है झारखंड पश्चिम बंगाल का एरिया आ गया झारखंड पश्चिम बंगाल का एरिया आ गया अब जब इससे निकलती है मैथन डैम से ये बराकर नदी ठीक है तो क्या हो रहा है बराकर नदी जो है ये दो पार्ट में बढ़ जाएगी यहाँ पर कहीं होगा दिखाया हुआ शायद नहीं दिखाया हुआ है हाँ ये वाला देखिए ये जो है इसमें उतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये तो बस एक दिखा देता है ना मतलब कि अगर आप रियल थ्री मैप देखेंगे तो आपको इस तरह से नहीं दिखेगा जैसा ये दिख रहा है जैसे पानी आपको यहां तक दिख रहा है ना लेकिन थ्री मैप में ऐसा नहीं दिखेगा देखिए एक धारा इधर है और एक धारा इधर है तो जो धारा इधर है वो मिलती है दिसेरगढ़ में दामोदर से इसमें समझना क्या है देखिए इसमें समझना ये है कि बराकर नदी की दो धारा है एक धारा दिशेरगढ़ में दामोदर से मिलती है और एक धारा जो है ये लापसंग गांव में दामोदर से मिलती है और इसी के कारण से एक यहां पर क्या बनता है घाटी बनता है इसको बोलते हैं गंगटीकुली घाटी ये गंगटीकुली घाटी है पिकनिक स्पॉट है ओके ये हो गया अब ये जो संगम हुआ तो संगम के लिए आपको याद रखना है एक गंगटीकुली घाटी सेरगढ़ लापसंग गांव ठीक है ये हो गया अब यहां पर एक और पॉइंट बनता है ये चीज देखिए, यहां पर ये डैम बना मैथन डैम मैथन डैम बना और एक धारा इसका इधर आया ना एक धारा इसका इधर आया तो यहां पर जो है ये मैंने नजदीक थोड़ा कर दिया है इधर पश्चिम बंगाल का यहां पर एक डैम बनता है यहां पर जो है एक डैम बनता है इसको बोलते हैं पंचेत डैम इसको बोलते हैं पंचेत डैम बोलते हैं ओके तो ये जो है थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा सही से है ना इसको थोड़ा ऐसे करना चाहिए था ये जो है इस तरह से होगा ओके इस तरह से होगा तो ये जो पंचेत डैम है एग्जैक्टली exactly ये किस पर है ये बराकर और दामोदर के संगम पर है लेकिन जस्ट संगम के बाद दामोदर से मिलती है ये अब देखिए मैंने जो कुछ कहा इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ठीक ना तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है क्या क्या मैंने पॉइंट बताया पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि मैथन डैम के बाद यह दामोदर से दामोदर से मिलती है ओके पहला चीज दूसरा क्या है कि दामोदर और बराकर के संगम पर तंतीकुली घाटी है तंतीकुली घाटी है और इसी के आसपास वो तो आपको मैप में दिख रहा है ना कि पानी बिल्कुल साइड में है वो पूरा फैला हुआ दिखेगा आपको तो इसी पर जो है पंचेत डैम भी है इसी पर क्या है इसी पर पंचेत डैम भी है अगर कोई एक नदी आपको बोला जाए तो जो पंचेत डैम है ये किस पर हो जाएगा बराकर पर हो जाएगा और इसी के जस्ट बाद या इसी संगम पर दामोदर है मतलब ये दामोदर बराकर के संगम पर है या इसके जस्ट बाद बराकर दामोदर से मिल जाती है ये जो तीन पॉइंट मैंने बताया इसको आप ध्यान रखिएगा ओके ठीक है नहीं गूगल मैप मैं बस दिखा रहा हूँ कि वो जो बाउंड्री है ना वो मैं दिखाना चाह रहा हूं ठीक है ये जो बाउंड्री वाला एरिया है बस इसके लिए आपको गूगल मैप दिखाया जा रहा है और कोई कारण नहीं है ठीक है यही कारण है तो इतना ही इसमें जो है समझना था ठीक है इसमें जो है इतना ही समझना था इससे ज्यादा कुछ नहीं है अब जब आप देखेंगे मैप में इसको ठीक है यहां पर आप देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या हो गया दामोदर हो गया ये बराकर हो गया इधर अजय नदी है इधर मयूराक्षी नदी है ओके इसको यहां पर मैं बता रहा हूं देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा दक्षिणी कोयल जो कि रांची से निकलती है रांची से निकलने के बाद लोहरदग्गा फिर गुमला ओके फिर सिमडेगा खूंटी के बीच बहते हुए पश्चिम सिंहभूम जाती है फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा सोनरेखा जो कि रांची से निकलती है फिर सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम फिर ड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल उड़ीसा फिर बंगाल की खाड़ी उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उत्तरी कोयल उत्तरी कोयल जो है गुमला से निकलती है गुमला से निकलने के बाद लातेहार फिर पलामू गढ़वा फिर पलामू और फिर सोन नदी से जाकर यह मिल जाती है ओके ये हम लोगों ने पढ़ा एक दो तीन फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा दामोदर नदी तो दामोदर जो है ये लातेहार से निकलती है लातेहार से निकलने के बाद चतरा रांची के बीच बाउंड्री बनाकर हजारीबाग रामगढ़ बोकारो धनबाद और फिर जो है पश्चिम बंगाल चल जाती है आज हम लोगों ने बराकर बराकर नदी को देखा ओके हाँ, छोटा-छोटा रिवर अभी बता रहा हूं मैं तो कुछ रिवर मैप में जो है दिखेगा नहीं ओके क्योंकि बरसाती नदी है लेकिन आपको पता होना चाहिए किसकी सहायक है अभी मैं बताऊंगा ओके ठीक है तो इसमें क्या है क्या पूछा पवन आपने दामोदर नदी गिरिडीह जिला नहीं जाती है। नहीं गिरिडीह में नहीं उसका परवा दामोदर का ओके उसका प्रवाह गिरिडीह में नहीं है ये हो गया बराकर जो है बराकर ये हजारी बाग है हजारी बाग हो गया कोडरमा में थोड़ा टच करेगी फिर दोनों बीच बाउंड्री बनाती है फिर कहाँ जाती है गिरिडी जाती है गिरिडी से फिर इसका जो प्रवाह होता है धनबाद धनबाद गिरिडी के बीच बाउंड्री बनाती है फिर जामताड़ा इसका प्रवाह होता है और फिर जो है ये, ये क्या हो गया ये है ठीक है गिरिडी और ये धनबाद जामताड़ा है तो ये इस तरह से इसका जो है प्रवाह होता है यहाँ पर क्या है मैथन डैम है और यहीं पर पंचित डैम है ओके मैथन डैम है पंचित डैम है ये हो गया अभी इसके बाद हम लोग कुछ नदियों को देखेंगे तो ये क्या है दुमका है दुमका है तो इसके यहां पर देवघर है ना देवघर से मयूराक्षी नदी निकलती है तो ये मयूराक्षी नदी है ओके इसके नीचे जो है अजय नदी है इसके नीचे अजय नदी है तो ये पैरल है ये बराकर के पैरल है लेकिन ऊपर है फिर गंगा नदी ये है ओके okay. तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं ठीक है ये सब हम लोग देखने वाले हैं तो अभी जो आपको सहायक नदी बताया गया तो थोड़ा सा मज मैं उसको समराइज कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा बराकर और जो समझना था वो आपको मैंने बता दिया इसकी सहायक नदियां ओके okay? सहायक नदियां तो इसमें आपको पहले बताया गया जो बराकर है अगर आप मैप मैप में देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट था वो था मरकचो नदी तो मरकचो के लिए आपको क्या जानना है कि इसका जो ओरिजिन है ओरिजिन क्या है कोडरमा ही है एक डैम है इसको बोलते हैं गोरहंद डैम गोरहंद डैम यहीं से यह निकलती है और इसका जो संगम है आप कोडरमा ही मानकर चलेंगे वैसे ऑप्शन के लिए ध्यान रखना है कि ये कोडरमा और हजारीबाग के बाउंड्री पर है हजारीबाग के जो है ये बाउंड्री पर है ये मरकचो नदी है ठीक है इसके बाद आपको बताया गया हजारीबाग में ही एक नदी मिलती है ये है बरसोती नदी बोलते हैं इसको बरसोती नदी ओके तो ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है बरसोती नदी बरसोती नदी हजारीबाग से ही निकलती है ये हजारीबाग से ही निकलती है ओके और ये बराकर से कहाँ मिलती है बराकर से जो है ये हजारीबाग में ही मिल जाती है और इस जगह का नाम ढलंगी बोलते हैं जहां पर ये मिलती है बराकर से तो ये आपको पता होना चाहिए ओके ये हजारीबाग की ही नदी है बरसोती नदी ठीक है इसके बाद फिर आपको क्या बताया गया मैप में बरसोती के बाद आपको बताया गया एक ईरगा नदी ईरगा नदी बताया गया तो ईर् नदी जो है इसका ओरिजिन गिरिडीह है इसका ओरिजिन है, गिरिडीह है और ये बराकर से कहां मिलती है गिरिडीह में ही मिलती है बरनी बिरनी प्रखंड बोलते हैं इसको यहां पर जो है मिलती है ईर्गा नदी ठीक है ईर्गा नदी हो गया उसके बाद गिरिडीह में ही आपको बताया गया था कि यहां पर एक मंदिर है जैन मंदिर इसको बोलते हैं रिजु वालिका रिजु पालिका रिजु वालिका ऐसा ही कुछ है जैन टेम्पल ओके इस मंदिर के जस्ट बाद जो है इस पर एक नदी मिलती है इसको बोलते हैं काको नदी क्या बोलते हैं काको नदी तो ये जो काको नदी है ये जो काको नदी है काको नदी ये कहां से निकलती है गिरिडीह से निकलती है ओके ये जो है गिरिडीह से निकलती है और बराकर में कहां पर मिलती है बराकर में जो है ये गिरिडीह में ही मिलती है और जहां ये मिलती है जैसा कि धर्मद्र ने, ने बताया था सही आपने बताया था कि जहां पर ये मिलती है तो वहां पर तीर्थस्थल है इसको बोलते हैं बराकर धाम इसको क्या बोलते हैं बराकर धाम बोला जाता है ओके okay. बराकर धाम इसको बोला जाता है ये काको का हो गया फिर काको के बाद जो इंपॉर्टेंट नदी बताया गया आपको यहां पर आप देखिए जो मैप है, ये हो गया काको के बाद उसी नदी है ना तो जो उसी नदी है उसी नदी इसका ओरिजिन क्या है इसका ओरिजिन गिरिडीह है तो गिरिडीह में जो खंडोली पहाड़ है खंडोली डैम के पास ही इसका ओरिजिन होता है ओके और ये धनबाद गिरिडीह के बाउंड्री पर जो है बराकर से मिलती है ओके उस जगह का जो नाम है यहां पर आप देखेंगे देखिए मैं क्यों दिखा रहा हूं ना क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा क्या कंफ्यूजन होगा देखिए दिखाता हूं मैं जैसे ये हो गया धनबाद ये तो ये मैथन डेम चल रहा है ये उसरी है ये जो है ना उसरी नदी है ये देखिए ये मेरा घर का इलाका है ओके इसमें ये है उसरी वाटरफॉल यहां पर है ये उसी नदी हो गया ठीक ना तो यहां पर मैं बताना चाह रहा था कि ये जिस जगह पर मिलती है ओके ये जिस जगह पर बाल पहाड़ी बांध कौन नदी पर है बाल पहाड़ी जो है बराकर पर ही है और ये गिरिडीह में आता है लेकिन अभी बना नहीं है बाल पहाड़ी बांध ओके अभी बना नहीं है देखिए ये जो है ये उसी नदी धनबाद और गिरिडीह के बाउंड्री पर है लेकिन ये जो इलाका है इसको बोलते हैं हजारीबाग बोलते हैं हजारीबाग नहीं हजारीबाग कहलाता है तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हजारी बात बोलते हैं तो कहीं एग्जाम में आ जाए तो ऐसा नहीं सुना कि गलत लिखा हुआ है ओके इसको बोलते हैं हजारी बात ठीक है ये आप ध्यान दीजिएगा ये किस में आता है ये गिरिडीह में आता है तो एक्चुअली ये धनबाद और गिरिडीह के बाउंड्री के बाउंड्री पर है ठीक है पुनपुन नदी ये नॉर्थ साइड वाला है अभी आएगा अभी आया नहीं है पुनपुन नदी ठीक है पारसनाथ से नहीं निकलता है खंडोली से निकलता है पारसनाथ तो दूर हो गया ओके पारसनाथ दूर हो गया खंडोली से निकलती है खंडोली पहाड़ है वहीं पर डैम है वहीं से निकलती है ये ओके तो उसरी का हो गया उसरी के बाद फिर आपको बताया गया मैथन डैम के लिए उसी बात आपको बताया गया मैथन डैम फिर मैथन डैम के बाद क्या होता है ये आप जानते हैं ठीक है अब यहाँ पर किसने पूछा था खुदिया नदी के बारे में तो खुदिया नदी जो है जब ये नदी धनबाद पहुंचती है धनबाद के बीच आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है ठीक है ये जो है ये वाला इलाका तो इधर जो आप देख रहे हैं ये गोविंदपुर का इलाका ये जो है ना ये गोविंदपुर का इलाका है मतलब तो जीटी रोड जो होता है वो इलाका है यहां पर ये वाला सॉरी इधर ये जो आप देख रहे हैं ये टुंडी रोड है मतलब तो धनबाद और ये गिरिडीह को ही जोड़ता है टुंडी रोड बोलते हैं इसको ठीक है और जीटी रोड जो है इधर ही आपको दिख जाएगा जीटी रोड जीटी रोड जो इधर ही दिख जाएगा कहने का मतलब गोविंदपुर जो इलाका है वहीं से एक नदी निकलती है खुदिया नदी बोलते हैं तो खुदिया नदी भी इसी के सहायक है ओके वो गोविंदपुर से ही निकलती है गोविंदपुर से ही निकलती है खुदिया के लिए आप याद रखिएगा ओके ये चीज है तो बस इतना तीन चार नदी इंपॉर्टेंट है हजारीबाग गिरिडीह में हजारीबाद द है ना ये हो गया चार पांच नदी बताया गया बस इतना याद रखिए काफी है इसके लिए ओके okay, बाकी जो एक दो नदियां होती हैं जो पहाड़ी नदियां ये बरसाती नदियां जो हैं उसमें क्या है जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से वो और भी क्लियर हो जाएगा ठीक है और भी जो है ये क्लियर हो जाएगा ओके okay, ये चीज है अब यहां पर एक दो पॉइंट है जैसे कि इसकी जो लंबाई है बराकर नदी की जो लंबाई है ये 225 किलोमीटर है कितना है 225 किलोमीटर ओके ये चीज है और जब ये गिरीडी जब यह धनबाद में बहती है तो जीटी रोड को टच करती है यह नदी ओके क्लियर बस इतना काफी है बराकर नदी के लिए तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा इसमें देखिए एक दो पॉइंट्स जो आएंगे कुछ पॉइंट्स जो है आप लोग को जब जब पढ़ाया जाएगा ये परियोजना के बारे में तब क्लियर होगा ठीक है इतिहास में कुछ कुछ पढ़ने को मिलेगा इतिहास में कुछ कुछ नदियों का जब जिक्र होगा तो उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि धार्मिक चीजें हैं धार्मिक जो चीजें हैं तो वो उसी समय क्लियर होगा सबको एक साथ बताने का मतलब है कि फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो अभी बस आप याद रखिए कि नदी नदी जब पढ़ाया जा रहा है तो मेनली मैं मैंने फोकस किया है कि इसका जो ओरिजिन है इसका जो मुहाना है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है और मेन नदी पर अगर कोई वाटरफॉल है तो बता दिया जा रहा है ठीक है तो मेनली इस पर फोकस किया जा रहा है बस यही इंपॉर्टेंट होता है बाकी जो होता है जैसे कि मेला जब पढ़ा जाएगा मंदिर पढ़ा जाएगा तो वो सब अगर किसी नदी से संबंधित है तो वो बताया जाएगा उस समय क्लियर चतरा किससे टच होता है चतरा टच नहीं होता है बराकर से बराकर से चतरा टच नहीं होता है किसका बात कर रहे हैं आप टोटल 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 जो है इसका 225 किलोमीटर है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छा आसन बनी परस बनी विलेज हाँ गोविंदपुर में ही विलेज है गोविंदपुर याद रखिए काफी है ओके जल्दी मेला और मंदिर स्टार्ट कीजिए सदान का टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा अभी कुछ देर में सदान का टेस्ट अभी कुछ देर में अवेलेबल हो जाएगा ओके ये जो आपको बताया गया था पवन आपका किस नदी का क्वेश्चन था बराकर नदी इस तरह में टच नहीं करती है ठीक है ये जो था झारखंड के सदान ओके और जनजातियों के संबंध में वधुमूल्य विवाह ये पढ़ना था ठीक है इसमें फिर आप जो है आर्ट्स एंड कल्चर में आप देखेंगे सदान के बाद क्या है सदान के बाद जो है वस्त्र आभूषण एवं खान पान है फिर इसके बाद क्या आता है प्रमुख किले आता है फिर मंदिर आता है तो ये पैरल है ना ये काफी अच्छे से कंप्लीट होगा मंदिर है मंदिर को जो है दो पार्ट में कंप्लीट करवाया जाएगा मंदिर वन मंदिर टू फिर लोक नृत्य है लोक गीत है है ना इस तरह से लोक नाट्य है वाद्य यंत्र है फिर पर्व त्यौहार को दो पार्ट में कंप्लीट करवाया जाएगा ठीक है पर्व त्यौहार को दो पार्ट में कंप्लीट करवाया जाएगा फिर जो मेला है ये है चित्रकला भाषा साहित्य में क्या है कि बहुत कुछ पढ़ना होता है भाषा साहित्य में इसमें साहित्यकार के नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो साहित्यकार नाम इंपॉर्टेंट है बुक्स भी इंपॉर्टेंट है नाम याद करना होता है तो इसलिए इसको छह पार्ट में कंप्लीट करवाया जाएगा ठीक है मतलब इसमें तीन दिन लग जाएगा तीन दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही ये पंद्रह अप्रैल होगा तो आपका ये कंप्लीट फिर एक दिन सोलह तारीख को पूरा कंबाइंड रूप से झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर कंबाइंड रूप से चालीस चालीस क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा ठीक है यही चीज है ठीक है तो देखिए ये टेस्ट जो है अवेलेबल हो रहा है थोड़ा सा डिले हो जा रहा है लेकिन अवेलेबल हो जा रहा है टाइम पर अगर मैं छह बजे बोलता हूँ तो वो दस बजे हो रहा है तो यही सब हो रहा है मैनेज हो जाएगा टाइम बहुत जल्द ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का जो लेक्चर बच गया वो कल मॉर्निंग में अवेलेबल करवा दिया जाएगा ठीक है और फिर से बता दे रहा हूँ कि जो स्टैटिक था स्टैटिक जीके था तो इसका एक मंथ इंक्रीज किया गया है जिन्होंने ट्वेंटी फर्स्ट मार्च तक इनरोल किया था इसका कोर्स फी है ट्वेंटी फाइव रुपीज ठीक है तो उन्हीं लोगों का इंक्रीज किया गया आपको बोला गया था ना इसीलिए क्योंकि आपको बता दिया गया था उसके बाद झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर है तो ये तो पहले ही बताया गया था ना कि एक मंथ का जो है ट्वेंटी फाइव रुपीज है एक मंथ का ट्वेंटी फाइव रुपीज है तो बहुत लोगों का एक्सपायर कर गया तो उन्हीं का फोन आ रहा था और इसी कारण से आज जो है ये सब टेस्ट नहीं हो पाया ठीक है नदी चलता रहेगा नदी चलेगा वाटरफॉल चलेगा ये सब चलेगा ओके ठीक है हम लोग कल मिलते हैं शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा और बहुत ही जल्द शेड्यूल के अकॉर्डिंग सब कुछ फॉलो होगा गुड नाइट थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा